हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसका वो सेकंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने टिल ओम्स लॉ देखा था, ठीक है। तो ओम्स लॉ में हमारा जो एंडिंग था वो में हम लोग एक इक्वेशन मिला था वी इक्वल टू आर आई। तो आर जो था वो था रेजिस्टेंस, ठीक है। सो हम लोगों ने बोला था कि जो इक्वेशन है वी इक्वल टू आर आई, तो ये जो R है दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस इक्वेशन में ये R जो है वो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, मतलब R V और I के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। R डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स। और आप लोगों ने क्लास 10 में शायद आप लोगों ने देखा होगा R इज इक्वल टू कुछ ऐसा इक्वेशन, R इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड दिस रो इज द रेजिस्टिविटी। सो बेसिकली आज हम लोग ये सीखेंगे कि हाउ डज दिस आर डिपेंड्स ऑन एल। आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। वो कैसे ये रिलेशन हमको मिला, ठीक है, बेसिकली द प्रूफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सपोज वी हैव ए कंडक्टर, ठीक है, ऐसा कुछ एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिस इज ए और जो लेंथ है वो L, ठीक है। तो इसमें जब करंट फ्लो कर रहा है, इसमें अगर ऐसा करंट यहां से करंट जा रहा है, इधर से निकल गया करंट, I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V, ठीक है, और इसका अगर रेजिस्टेंस R है इस कंडक्टर का, तो जो R इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू वी बाई आई, R इज इक्वल टू वी बाई आई, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कंडक्टर है जिस मटेरियल का है, वैसे हम लोग दो आइडेंटिकल कंडक्टर रखते हैं, ठीक है, और उसको कैसे रखेंगे हम लोग, एक के साथ एक, मतलब एक ये है, ठीक है, और इसके पीछे मैंने और एक लगा दिया सिमिलर कंडक्टर, ठीक है। तो अब क्या होगा, करंट यहां से ऐसे जाएगा और ऐसे गया करंट, यहां से निकल गया आई करंट, ठीक है। अब ये इसका लेंथ L है, ये भी लेंथ L है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल कंडक्टर है। इसी कंडक्टर की तरह हम लोगों ने अभी दो कंडक्टर ले लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है, V हो रहा है, यहां पे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी तो V ही होगा, ठीक है। तो अगर इस केस में जो रेजिस्टेंस है उसको मैं R कुछ C लिखूं, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो जो आर सी होगा वो क्या हो जाएगा, यहां पे पोटेंशियल वी, यहां पे पोटेंशियल वी, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया 2V। करंट जो फ्लो कर रहा है वो कितना करंट फ्लो कर रहा है, करंट तो ये करंट फ्लो कर रहा है ना, ये करंट यहां से निकल के आई करंट, सो 2V बाय आई होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ये तो V बाय आई जो है वो क्या है, आर है, तो ये जो V बाय आई है इसको अगर मैं आर से रिप्लेस करता हूं तो ये क्या आता है, ट्वाइस आर, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना है, ट्वाइस आर। अब यहां पे क्या है ध्यान में रखने वाली बात, कि यहां देखिए यहां लेंथ एल था, यहां पे लेंथ टोटल लेंथ कितना हो गया था, ट्वाइस एल, रेजिस्टेंस कितना हो गया, ट्वाइस आर। तो इसका मतलब क्या है, यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, लेंथ डबल कर रहे हैं रेजिस्टेंस भी डबल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, थर्ड केस क्या है, कि ये जो कंडक्टर है ना इसको हम लोग ऐसे यहां से ऐसे स्लाइस कर देते हैं, आधा लेंथ वाइज आधा काट देते हैं, ठीक है। सो अभी क्या हो गया, ये कंडक्टर जो है, इसी कंडक्टर को मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, ये कंडक्टर ड्रॉ किया मैंने, यही कंडक्टर है मान लेते हैं, इसको मैंने स्लाइस कर दिया, यहां से स्लाइस करके एक के ऊपर एक रखा हुआ है, एक ही साथ रखा हुआ है। तो जो करंट आई है वो करंट अब क्या होगा, हम लोग ये एज्यूम करते हैं ना, ये ऊपर वाले पार्ट से I बाई टू करंट जा रहे हैं और ये जो नीचे वाले पार्ट से भी I बाई टू करंट जा रहे हैं, ठीक है, मतलब ये करंट जो डिवाइड हो गया, जो कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन से I बाई टू करंट, क्या नीचे वाले क्रॉस सेक्शन से I बाई टू गया। अब ये तो आधा काटा था, तो ये जो क्रॉस सेक्शन होगा वो क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, ए बाई टू। यहां पर देखिए, हम लोगों ने एरिया को कॉन्स्टेंट लिया था, लेंथ को डबल किया था, यहां पर क्या है, यहां पर लेंथ कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे लेंथ कॉन्स्टेंट है, एरिया को कर रहे हैं क्या, हाफ कर रहे हैं, एरिया को हाफ कर दिया। अब अगर आप किसी एक पार्ट का रेजिस्टेंस देखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ए सिंगल पार्ट,
सपोज कर लीजिए वो आर डैश है, तो आर डैश क्या हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू, अब देखिए ये जो पोटेंशियल है चीज तो यही है ना, इसी कंडक्टर को मैंने स्लाइस किया है, तो पोटेंशियल कितना हो रहा है, पोटेंशियल तो वी हो रहा है, तो पोटेंशियल वी हो गया, बट यहाँ पे जो करंट है एक एंड मतलब इसके एंड और इस एंड में बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है, पोटेंशियल डिफरेंस तो वी है, बट एक एंड से जो करंट जा रहा है वो कितना रन जा रहा है, आई बाई टू, तो यहां नीचे क्या हो जाएगा, आई बाई टू, ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस वी बाय, ट्वाइस वी बाय, वी बाय आई क्या है, आर है, मतलब आर डैश इक्वल टू क्या हो गया, आर डैश इक्वल टू ट्वाइस आर हो गया, ठीक है। अभी आपने क्या किया था, एरिया को हाफ किया था, लेंथ यहां पे कांस्टेंट है, लेंथ को कांस्टेंट रख के आपने एरिया को हाफ किया है, एरिया को जब हाफ किया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया, एरिया को डिक्रीज किया रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यहां पे हमको क्या मिला था, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया कब होगा, जब लेंथ कांस्टेंट होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ कब होगा, जब एरिया कांस्टेंट होगा, बात समझ में आया, सो अंडर दिस कंडीशन इफ आई कंबाइन दीज टू कंडीशंस व्हाट डू आई गेट, आई गेट सी आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सो इसको अगर कंबाइन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ठीक है, तो अगर मैं यहां पे इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को रिमूव करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो ये जो रो है दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी, ये इस इक्वेशन में ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, रो इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट मींस जो रो है वो लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, अगर मतलब गोल्ड है उसका रेजिस्टिविटी अलग होगा, कॉपर है उसका रेजिस्टिविटी अलग होगा, अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग होगा, ठीक है, रो मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल के डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, रो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, दैट वी विल सी लेटर ऑन, बट फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कंक्लूड दैट रो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मतलब वो इस इक्वेशन के बाकी टर्म्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो एल और ए के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, सो दिस इज हाउ रेजिस्टेंस वेरीज विद लेंथ एंड एरिया, बट यहाँ पे कंडीशन इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये देखिए रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ व्हेन एरिया इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे इस कंडीशन के लिए एरिया इज कांस्टेंट, और इस कंडीशन के लिए यहां पे क्या है, लेंथ कांस्टेंट है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया व्हेन लेंथ इज कांस्टेंट, ओके, सो इसको एक बार मैं समराइज कर देता हूं, देखिए हमारे पास रिलेशन आया आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, मतलब आर इज प्रोपोर्शनल टू एल व्हेन एरिया इज कांस्टेंट, एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया व्हेन लेंथ इज कांस्टेंट, ठीक है, ये पहला चीज है। दूसरा चीज हो गया कि जो रेजिस्टिविटी है रो इंडिपेंडेंट ऑफ एल एंड ए, वो डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, कंडक्टर के या रेजिस्टर के डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, रो डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटीरियल, ठीक है, रो का यूनिट क्या होगा, अब देखिए आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, मतलब रो इक्वल टू हो गया आर ए बाई एल, ठीक है, ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका मीटर, ये हो गया आपका ओम, ठीक है, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर, ठीक है, ये रेजिस्टिविटी का यूनिट हो गया, ओके, अच्छा, नाउ अब ऐसा अगर सिचुएशन है कि मान लीजिए कि आपके पास एक वायर है ऑफ सम लेंथ और फिर उसको स्ट्रेच कर दिया, अब जब स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, खींच दिया, तो उसका तो लेंथ चेंज होगा, बट लेंथ चेंज होगा तो एरिया भी तो चेंज होगा, तो उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, मतलब आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्योंकि यहाँ पे एक एरिया कांस्टेंट है, यहाँ पे लेंथ कांस्टेंट है, यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि
लेंथ है L1 और एरिया है A1, तो रेजिस्टिविटी रो है, ठीक है, रेजिस्टिविटी तो लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो इसका रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू हो गया रो L1 बाई A1, ठीक है। फिर इसको थोड़ा खींच दिया, इसको अगर थोड़ा खींच दिया है तो रेजिस्टिविटी तो रो ही रहेगा, ठीक है, उसका डायमेंशन ही चेंज हुआ है ना, मटेरियल तो सेम ही है, तो लेंथ हो गया L2, एरिया हो गया A2, तो R2 इज इक्वल टू हो गया रो L2 बाई A2, ठीक है। अब R1 R2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो मास में तो कोई लॉस नहीं हुआ है, तो मास तो कांस्टेंट है, मास अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा L1 E1, इसका वॉल्यूम कितना होगा L2 A2, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं L2 बाई L1 इज इक्वल टू A1 बाई A2, A1 बाई A2। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को सपोज दिस इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूं, 2 डिवाइड बाई 1, तो क्या मिलता है मुझे R2 बाई R1 इज इक्वल टू रो L2 बाई A2 इंटू A1 बाई रो L1, ठीक है, तो रो तो कैंसिल हो गया, ठीक है, सो R2 बाई R1 इज इक्वल टू L2 बाई L1, L2 बाई L1 को मैं यहां से रिप्लेस करता हूं, या मैं A1 बाई A2 को रिप्लेस करता हूं, तो A1 बाई A2 की जगह पे क्या आ जाएगा, ये L2 बाई L1, ये L2 बाई L1 को लिखा है, और A1 बाई A2 की जगह पे L2 बाई L1, तो L2 बाई L1, ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, R2 बाई R1 इज इक्वल टू L2 स्क्वायर बाई L1 स्क्वायर, L2 स्क्वायर बाई L1 स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं L1 बाई L2 को रिप्लेस करता, ठीक है, तो यहां पे मेरा क्या आता है R2 बाई R1 इज इक्वल टू A1 बाई A2 स्क्वायर, ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा डिफरेंट रिलेशन आ रहा है, यहां पे मिल रहा है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ, यहां पे मिल रहा है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एरिया, ठीक है। ये कब होगा, जब अब ऐसा कोई केस जहां पे वायर इज स्ट्रेच टू 2 times इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ए वायर इज स्ट्रेच टू 2% ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, वैसे केसेस में स्ट्रेचिंग हो रहा है या कंप्रेस कर रहा है, वैसे केसेस में आपको ये रिलेशन यूज करना है, ठीक है। बट अगर मतलब अगर बोला है कि एरिया कांस्टेंट है लेंथ चेंज कर रहे हैं, या लेंथ कांस्टेंट है एरिया चेंज कर रहे हैं, उस केस में ये रिलेशन होगा आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, तो यहां पे आपको ये चीज ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स करते समय, ओके। सो द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न इज ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओके, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ठीक है, इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अब करंट को तो हम लोगों ने स्केलर फॉर्म में बोला है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, बट ओम्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड ए टर्म कॉल्ड करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी डिनोटेड बाय द सिंबल जी, वेक्टर जी। नाउ दिस करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके, नाउ व्हाट इज करंट डेंसिटी, सपोज एक कंडक्टर है और इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से है, ठीक है, तो जो एरिया वेक्टर है ना, वो एरिया वेक्टर जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफाइन किया था, मैग्नेटिज्म में भी हम लोग डिफाइन करेंगे, मतलब इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, करंट हो, मैग्नेटिज्म हो, वेयर एवर, जो एरिया वेक्टर है ना, एरिया को हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द एरिया, मतलब जैसे ये क्रॉस सेक्शन तो इस तरह से हो गया, तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन होगा, दिस इज एरिया। अब मान लेते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, दिस इज करंट आई, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड एरिया वेक्टर, ओके, तो जो करंट है, करंट इट इज ए डॉट प्रोडक्ट, इट इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी जे एंड एरिया वेक्टर, करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, और आई कैन से दैट करंट डेंसिटी इट इज, वैसे तो देखने में लगता है ना करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया, तो एक्चुअली दिस करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया
कॉम्पोनेंट ऑफ एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब ये अगर ए है ये थीटा है तो कॉम्पोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, ये ए है ये थीटा है करंट इस डायरेक्शन में है तो इसका कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, ए कॉस थीटा होगा है कि नहीं, ये ए अगर है ये थीटा है तो ये तो ए कॉस थीटा होगा। तो इस करंट को इस ए कॉस थीटा से अगर डिवाइड करेंगे तो हमको मिलता है करंट डेंसिटी, ओके। एंड करंट डेंसिटी इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके। सो दिस इज करंट डेंसिटी। नाउ वंस वी नो व्हाट इज करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं जे इज इक्वल टू आई बाई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो वंस वी नो करंट डेंसिटी नाउ वी कैन वेरी वेल स्टडी अबाउट ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है कि अगर सपोज कर लीजिए एक कंडक्टर है, ठीक है, इसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल सोर्स लगा दिया, यहां पे की लगा दिया, तो ये V है पोटेंशियल सोर्स, मतलब अक्रॉस कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस इज V, ठीक है, दिस इज द की। तो अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए लेंथ, अक्रॉस ए लेंथ L, एल लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। सो व्हेनेवर देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रीजन देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर E इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड across this conductor, E is the strength of the electric field due to this potential difference. So the electric field ka strength is proportional to current density. Strength of electric field is directly proportional to current density. So ye proportionality symbol ko remove kar karenge to constant aayega. So that constant is rho. Rho. What is rho? Rho is resistivity. This is resistivity. Resistivity. Okay. So this is the proportionality constant. Okay. रेजिस्टिविटी, सो ई इक्वल टू रो जे। तो वेक्टर फॉर्म में मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, रेजिस्टिविटी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो ई इज इक्वल टू रो जे। सो बेसिकली दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ई इज इक्वल टू रो जे, ओके। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे हाई पोटेंशियल है, यहां पे लो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ द current density because E and J they are in the same direction, okay. So E is equal to rho J. अब यार हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ओम्स लॉ में आ गया, वेक्टर फॉर्म में E equal to rho J, कभी बोलते हैं V equal to R I, कभी बोलते हैं E equal to rho J, are they two different things or same thing? देखिए E equal to मैंने लिखा rho J, ठीक है। अब E क्या है, E is equal to V by L, V अगर potential difference है, length L है, तो E is equal to V by L, electrostatics में हम लोगों ने पढ़ा था, is equal to rho, current density is current per unit area, अगर इसका cross section area A है, तो current density क्या हो जाएगा, current per unit area, यहाँ पे तो current इसी direction में जा रहा है ना, area भी इसी direction में है, तो theta तो zero होगा, ठीक है, मतलब J जो था, J is equal to I by A cos theta था, ठीक है, यहाँ पे जो theta इस case में, current इसी direction में जा रहा है, तो area vector इसी direction में है, तो theta zero है, ठीक है, so rho I by A, तो V is equal to क्या हो जाएगा, rho L by A into I। अब ये जो rho L by A है, ये टर्म क्या है, ये तो resistance है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया V is equal to R into I, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तो मतलब E equal to rho J, E is equal to rho J is equivalent to V is equal to R, ठीक है, both are same, ओके, बोथ आर सेम, बट दिस इज द, अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। सो बेसिकली यहां पे हमको ये चीज समझना है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या है और करंट डेंसिटी को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया था, ठीक है, दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके। डेरिवेशन तो ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करना है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, बट फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दीज रिलेशंस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, ओके। So the next thing that we are going to learn is drift velocity, okay, it's denoted by the symbol V subscript D, the vector symbol, vector quantity, drift velocity, ठीक है। अब ये होता क्या है, देखिए मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, यहाँ पे कंडक्टर है, उसका किसी इलेक्ट्रॉन का पाथ अगर देखें, ठीक है, suppose कर लिए this is one conductor, okay, and no potential is applied, कोई बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, नॉर्मल कंडक्टर है, तो यहाँ पे एक कोई इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ से ऐसे गया, फिर उसका कोलिजन हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पे आया,
यहां से यहां भी पहुंचा, ठीक है। सो दिस इज द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको वो मतलब मैग्निफाई करके मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। ये यहां से यहां गया, उसका कोलिजन हुआ, फिर यहां से यहां पे गया, फिर कोलिजन हुआ, फिर यहां से यहां पहुंचा, इन ए गिवन टाइम इंटरवल, रैंडम मोशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, दिस इज इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया। अब जब इसको कनेक्ट करेंगे एक पोटेंशियल सोर्स से, यहां पे एक पोटेंशियल सोर्स लगा दिया, ठीक है, विद अ की। तो दिस हाई पोटेंशियल, दिस लो पोटेंशियल, इस साइड हाई पोटेंशियल है, ठीक है, हाई पोटेंशियल, यहां पे लो पोटेंशियल, ठीक है। यहां पे हाई पोटेंशियल को मैं पॉजिटिव सिंबल लगा दिया, यहां पे नेगेटिव, पॉजिटिव यहां से मिल रहा है, नेगेटिव यहां से मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे घूम रहा था, यहां से यहां पे गया था, यहां से यहां, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा यहां पे देखिए, इस साइड पॉजिटिव पोटेंशियल, इस साइड नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करेगा ये, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन है वो पता है कि वो इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट मूव्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सिंस यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड पोटेंशियल, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अब ये कुछ इस पाथ में जाएगा, ऐसे यहां पे पहुंचा, फिर यहां पे पहुंचा, अब कहीं यहां पे पहुंचा, मतलब ये थोड़ा इस साइड ड्रिफ्ट किया, ठीक है। अच्छा देखिए, अब ये ड्रिफ्टिंग की वजह से क्या हो रहा है, लार्ज स्केल में अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे ना, दे वेर इन ए स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, ओके, नॉर्मल। जब कोई ये की अगर ओपन है, मतलब कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है, सर्किट ओपन है, तो इलेक्ट्रॉन्स दे आर इन ए स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, ठीक है। तो रैंडम मोशन में अगर है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा, जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए पर्टिकुलर वेलोसिटी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, देयर विल बी एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब की को क्लोज करते हैं, तो देयर इज एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल, देयर इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अब इट इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होंगे, देखिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, दे विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके वजह से क्या होगा, एक नेट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ दिस नेट डिस्प्लेसमेंट देयर विल बी अ नेट वेलोसिटी, ठीक है। सो वो जो एवरेज वेलोसिटी है ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस अप्लाइड फील्ड और अप्लाइड पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं लिखूं इक्वेशन ऑफ मोशन हर इलेक्ट्रॉन के अलग अलग, जैसे वी वन इज इक्वल हो गया यू वन प्लस ए वन इंटू टी, ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। दिस वी वन इज द वेलोसिटी आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, u1 is the velocity before application of electric field, a1 is acceleration हो गया। अब ये जो velocity t time तक acquire करेगा, क्यों, क्योंकि t time के बाद तो उसका collision हो रहा है, collision होने के बाद उसका velocity फिर change हो जाएगा, ठीक है। तो t is the time between successive collision, तो वैसे ही अगर मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन को लूँ v2 is equal to u2 plus a2 into t, ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करें अलग अलग, या फिर ये t1 t2 अलग अलग कैलकुलेट करें, तो ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऐसे कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका एवरेज लें, तो एवरेज लें, तो ये जो फाइनल वेलोसिटी का जो एवरेज वेलोसिटी है वो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी, इसका एवरेज, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया था तब तो रैंडम मोशन था ना, तो इसका जो एवरेज होगा वो तो जीरो होगा, ठीक है, प्लस ये ए लिखा है, ये एवरेज एक्सेलरेशन लिख लिया, और ये जो टाइम है टी, टी वन टी टू इसका, इसका इसको रिप्रेजेंट किया टाउ से, ये हो गया। देखिए, ये जो टी वन टी टू था, ये टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, तो जो टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन उसका एक नाम है, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ओके, दिस इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। तो ये जो इसको मैं टाउ से रिप्लेस किया है, मतलब एवरेज टाइम, तो ये जो टाउ हो गया, दिस इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम,
रिलैक्सेशन टाइम क्या है, इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। तो हमारे पास क्या रिलेशन आया, वी डी इज इक्वल टू ए इंटू टाउ। ओके, अब ये ए क्या है, ए है फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास। अभी फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ई ई बाई एम, एफ इक्वल टू क्यू ई, क्यू क्या है, कौन एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, इलेक्ट्रॉन, सो माइनस ई इंटू ई। ठीक है, तो इसका मतलब इसको अगर यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी डी इज इक्वल टू माइनस ई ई टाउ बाई एम। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां पे देखिए एक बात कि जो ये E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, m मास, ये सारे स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है, एक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड, और बीच में नेगेटिव साइन आ रहा है। तो इसका मतलब नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है, इस तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है। दैट मींस जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है, नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो यह इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, नेगेटिव साइन डिनोट्स इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये जो नेगेटिव साइन का ये इंप्लीकेशन है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन के बाद ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी क्या वेलोसिटी है, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, on application of applied potential. Okay.